केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा सा रह गया था, उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमने स्टार्ट कर लिया था, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में जस्ट मैंने टाइप बताए थे आपको। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और उसमें ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज में हम थ्री टाइप के फोर्स, क्या बात है, ड्राई रेफरेंस, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आज भेज दूंगा। अच्छा ठीक, हाँ आज भेज दूंगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज में थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स की हमने बात की थी, जरा सा आज उसको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले उसमें आता है बच्चे हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसे हम शॉर्ट में एच बॉन्ड भी कहते हैं। व्हाट इज दिस एच बॉन्ड? एक अगर कोई हम मॉलिक्यूल लें कोवेलेंट मॉलिक्यूल से HF, तो हम सबको मालूम है कि ये HF बॉन्ड काफी पोलर होगा, काफी बड़ा डिफरेंस है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन काफी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, और इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। दूसरे साइड में एक और HF मॉलिक्यूल अगर हम लें प्लस माइनस, ये दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल के बीच में बताओ एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप होगा कि नहीं? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा ना बच्चे? इसी इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एच बॉन्ड कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन, यहां देखो जरा, वो हाइड्रोजन जो एच बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है उसके दोनों ही साइड में वेरी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होना चाहिए, और वो एटम सिर्फ तीन ही होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। समझ में आ गई बात? क्योंकि ये तीनों नेचर के मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हैं। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड को एक लाइन डिफाइन करना हुआ, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड सुनेंगे पहले,
हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ONF विथ अ हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ONF इन द अदर मॉलिक्यूल। आप बता रहे हैं, स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं। इतना लंबा सेंटेंस को पहले समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस तो रखो कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डेड टू ए हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ONF विथ ए हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ONF इन द अदर मॉलिक्यूल। यानी कि हाइड्रोजन खुद भी बॉन्डेड होना चाहिए ONF से और दूसरे साइड जिसके साथ ये अट्रैक्शन बिल्डअप कर रहा है वो भी ONF होना चाहिए। तो एक लाइन पहले डिफाइन करते हैं जरा कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हुआ, हम किसको कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। एच बॉन्ड इज ए वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डेड टू ए हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ओ एन और एफ विथ ए हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ओ एन और एफ इन द अदर मॉलिक्यूल। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पहचान क्या है। हाइड्रोजन बीच में होना चाहिए, इसके दोनों साइड में हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ये सब होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इससे बनने वाले इस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। और एक एग्जांपल देखते हैं। वाटर, और वाटर का शेप सबको मालूम है, वाटर वी शेप्ड मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस और ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस होगा क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है। एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल और इधर लिखते हैं, यहां भी और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एच बॉन्ड। बताओ ये एच बॉन्ड का क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। एच बॉन्ड बनाने वाला हाइड्रोजन बॉन्डेड है ऑक्सीजन से और दूसरे साइड भी ऑक्सीजन है। समझा कुछ आपने? अमोनिया, कैन अमोनिया फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड? यस, अमोनिया, ये होता है अमोनिया का पिरामिडल शेप जिसमें नाइट्रोजन पे माइनस हाइड्रोजन पे प्लस, दूसरे साइड में एक और अमोनिया मैंने लिखा।
नाइट्रोजन पे माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस, इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन मस्ट बी बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। वो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम सिर्फ तीन होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अच्छा, अभी तक हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दोनों साइड जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है वो सेम ही है। क्या ये एसेंशियल है? बिल्कुल नहीं। अगर हम एक मिक्सचर ले लें HF का और वाटर का, HF का और वाटर का, देखो वाटर में थोड़ा HF डिजॉल्व किया है मैंने। अब आपको मालूम है कि इधर इस तरह का डाइपोल होगा और इधर ऐसा। बताओ ये वैलिड H बॉन्ड है या नहीं? क्या चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये किसने कहा? जी नहीं, दोनों तरफ हाइड्रोजन के दोनों तरफ ओ एन एफ होना चाहिए, लेकिन दोनों एन ही हो ऐसा नहीं है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होना चाहिए। तो ये देखो, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है ऑक्सीजन से। हाँ बिल्कुल, हाइड्रोजन बॉन्डेड है ऑक्सीजन से और दूसरे साइड में फ्लोरीन है, ये बिल्कुल वैलिड हाइड्रोजन बॉन्ड है। समझ गए? तो दोनों साइड सेम एटम होना जरूरी नहीं है। अमोनिया को डिजॉल्व करते हैं पानी में, तो देखो यहां पे अमोनिया को इस बार ऐसे बनाते हैं। और वाटर को ऐसे बनाते हैं। ये बिल्कुल वैलिड हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, ऑन द अदर साइड ऑक्सीजन, इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ गए? तो ये वही बॉन्ड है जो दो मॉलिक्यूल को आपस में पकड़ के रखता है। अरे इसको डेल्टा बोलते हैं, ऐसे होता है, ऐसे इसको पढ़ते हैं डेल्टा। डेल्टा साइन पढ़ते हैं इसको। यूज होता है ये जब क्वांटिटी वेरी वेरी स्मॉल हो, जैसे डी लिखते हो ना डीएक्स, तो वैसा ही है डेल्टा। ठीक, क्या दो हाइड्रोजन? हाँ ये देखना जरा, हाइड्रोजन फ्लोरीन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है? और यही तो है जो तुम कह रहे हो या कुछ और? यही है ना? तो हाइड्रोजन सबसे पहले मोनोवैलेंट होता है, एक ही बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड होना चाहिए किससे? हाइड्रोजन बॉन्डेड होना चाहिए ऐसे एटम से जो ओ एन एफ, यही तीन हो। समझ में आ गई बात? और दूसरे साइड में जो एटम हो जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा हो, ये भी इन्हीं तीनों में से कोई होना चाहिए, लेकिन दोनों साइड सेम हो, ए और बी दोनों ओ ही हो, ऐसा कुछ नहीं, इन्हीं तीनों में से होना चाहिए, तब इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ गई बात? बिल्कुल क्लियर। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड, अब जरा इसकी एप्लीकेशन पे आ जाओ।
यही हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल को एक दूसरे से बांध के रखता है, और इसीलिए इसको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब हम किसी सब्सटेंस को मेल्ट करते हैं बच्चे, या बॉयल करते हैं, तो मेल्टिंग, बॉयलिंग, ये सब फिजिकल फेनोमेना है, जानते हो ना। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, कोई केमिकल बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। तो अगर हम मान लो बात करें आइस की, तो आपको मालूम है आइस का फॉर्मूला, कोई पूछे क्या होता है तो क्या बताओगे? H2O। कोई पूछे पानी का फॉर्मूला क्या होता है तो H2O। कोई पूछे कि वेपर, वाटर वेपर का फॉर्मूला क्या होता है तो H2O। यानी कि चाहे आइस हो या लिक्विड हो या वेपर हो, H2O ही है सबका फॉर्मूला। फर्क क्या है? दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस। आइस में दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस कम होगा, लिक्विड में ज्यादा होगा, वेपर में और ज्यादा होगा। तो जब हम आइस को मेल्ट करते हैं, जब हम लिक्विड को वेपराइज करते हैं, तो होता क्या है बेसिकली बच्चे? ये बॉन्ड ब्रेक होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है और मॉलिक्यूल सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। समझ में आ गई बात? तो ये बताओ कि ये बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज्यादा होगी कि नहीं? तो हम एक जनरल स्टेटमेंट बता सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिकुलर फोर्स, इंटर मॉलिकुलर फोर्स की ताकत डिटरमिन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। अगर स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिकुलर फोर्स हाई हुआ तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, होगी कि नहीं? स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिटरमिन द स्टेट, कि सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा, स्टेट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। एक बात तो ये हो गई। सॉरी। जो तीन तरह के इंटरमॉलिकुलर फोर्स होते हैं, भले ही हम डिफाइन अभी एक ही किए हैं, लेकिन अब यहां पे एक बात मेंशन करना होगा। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में एच बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। एच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, देन कम्स डाइपोल डाइपोल, और सबसे लास्ट में आता है वेंडरवाल्स फोर्स। तो अगर दो कोवेलेंट सब्सटेंस है, एक में हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक में नहीं है, तो ये तो क्लियर हो गया कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, जिसकी नहीं है, जिसमें नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड, उसमें बाकी दोनों होगा, वीक होगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। क्लियर है या नहीं? अब एक एग्जांपल से इसको समझो। देखो, एक ही ग्रुप में ऑक्सीजन और सल्फर दोनों है, दोनों ग्रुप 16 में है, लेकिन H2O is liquid at room temperature,
बट H2S इज गैस, H2O रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है लेकिन H2S गैस होता है। क्या हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्वेश्चन है व्हाई। सिंपल, दोनों एक ही ग्रुप में हैं, लेकिन अभी अभी हमने देखा है कि वाटर कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, कर सकता है या नहीं? ये देखो सब वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से कनेक्ट हुए जा रहा है, और दिख रहा है क्या, ये सभी हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, दे आर ऑल एच बॉन्ड। क्या ऐसा एच बॉन्ड एच टू एस में पॉसिबल है? नहीं। ये नहीं बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर मान लो एक दूसरा हमने ऐसा लिख भी दिया तो कहां बनाएगा, ये तो हाइड्रोजन सल्फर से बॉन्डेड है, ये थोड़े बनाता है एच बॉन्ड। नो एच बॉन्ड। तो बताओ इंटरमॉलिकुलर फोर्स कहां स्ट्रांग हुआ? वाटर में। तो अगर वाटर में इंटरमॉलिकुलर फोर्स स्ट्रांग हुआ तो वाटर मॉलिक्यूल को सेपरेट करना डिफिकल्ट होगा कि नहीं? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि नहीं? और इसीलिए वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, जबकि H2S का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इतना कम कि रूम टेम्परेचर से भी कम, और इसलिए रूम टेम्परेचर पे वो गैस है। रूम टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस गैस होता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से भी कम होगा। ये बात समझ में आई सबको? तो क्या हम इसके इसके बारे में लिख सकते हैं एक लाइन कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एच बॉन्ड वाटर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन H2S which lacks H bonding. Clear? सभी लोग? तो ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक सिंपल सा एप्लीकेशन। अब आ जाओ एक पॉइंट समझेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही तो है ये। अगर हम बात करें HF की, तो अभी अभी हमने देखा कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये तो है ही हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे है ना, आवाज नहीं आ रही। और अगर हम वाटर ले लें तो उसमें भी है। यहां भी है। ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड है, कहां पे स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा सोच के बताना। Which will form a stronger hydrogen bond, HF or H2O? HF, क्योंकि it's a type of electrostatic attraction and electrostatic attraction is directly proportional to charge. और charge HF में ज्यादा होगा क्योंकि fluorine is more electronegative than hydrogen है, fluorine is more electronegative than oxygen है या नहीं? अरे बाबा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होता उतना ज्यादा पोलर होता है कि नहीं बॉन्ड?
नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की ऑक्सीजन की? फ्लोरीन की। अरे फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा दुनिया में है, तो एच एफ बॉन्ड मोर पोलर होगा। एच एफ बॉन्ड अगर मोर पोलर होगा तो यहाँ डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होगी एच एफ में, और एच एफ में अगर डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होगी तो एच एफ विल फॉर्म स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? स्ट्रॉन्गर एच बॉन्ड देन इन वाटर, कोई शक? अब कंट्रास्ट जरा समझना। ऑल्दो एच एफ फॉर्म ए स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड देन वाटर, ऑल्दो एच एफ फॉर्म स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड देन वाटर, एच एफ इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर बट वाटर इज लिक्विड। सिचुएशन पहले समझो, क्या कहा जा रहा है, क्या समझाने की कोशिश हो रही है कि एच एफ स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। बिल्कुल सही है, तब तो एच एफ का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था, कि नहीं? अरे होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। अब समझो क्यों, यहां पे क्या बताना है। पहले तो जो कहा जा रहा है उसको एक लाइन पहले मेंशन कर लेते हैं कि ऑल्दो एच एफ फॉर्म स्ट्रॉन्गर एच बॉन्ड देन इन वाटर, एच एफ इज गैस बट एच टू ओ इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब सवाल है वाई, ऐसा क्यों? अब देखो, अगर हम बात करें एच एफ की, तो एच एफ का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है बच्चे? दो। दो, एक इधर से और एक इधर से। अरे बताओ, ये दोनों साइड से हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं? तो एक एच एफ मॉलिक्यूल को हाईलाइट करो जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो है ये। कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया इसने? दो, एक इधर एक इधर। अब जरा वाटर की बात करो। वाटर में ये सिचुएशन है, ये बताओ, पहले जो मैं बॉन्ड बना रहा हूं वो आपको दिखता है कि वैलिड हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये है ना? अरे है या नहीं? अच्छा, ये बताओ, ये वैलिड हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं? बिल्कुल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बन रहा है। अच्छा ये बताओ, ये वैलिड हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं? अच्छा, अब जरा बात करो, हम इस मॉलिक्यूल को देख रहे थे, हमारा फोकस था बीच वाले मॉलिक्यूल पे, इस पे फोकस था हमारा, है ना? कितने एच बॉन्ड बनाया इसने? अरे ये एक वाटर मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? तीन। अरे थ्री बना रहा है, जबकि एच एफ कितना बनाया था? टू। अब ध्यान से समझना, अगर हम एक इंडिविजुअल एच एफ के बॉन्ड की एनर्जी को देखें, यहां पे अगर एच एफ का एक एच बॉन्ड को अगर हम
बॉन्ड एनर्जी को हम एक्स से डिनोट करें तो ये भी एक्स होगा, और अगर यहां पे वाटर में एक हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी को वाई से डिनोट करें तो ये भी वाई होगा, ये भी वाई होगा, ये भी वाई होगा। अब सुनो ध्यान से, एक्स एक्स ग्रेटर देन वाई है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ये तो हमने लिखा ही है ऊपर। लेकिन जब हमें जब हम बॉइल करेंगे बच्चे, बॉइलिंग में क्या होता है, लिक्विड स्टेट को मॉलिक्यूल छोड़ के चला जाता है गैसियस स्टेट में। तो जब एक एचएफ मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में आएगा तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 2x देना पड़ेगा कि नहीं, और दोनों बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना। जबकि एक वाटर मॉलिक्यूल अगर वेपर फेज में आएगा तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 3y देनी पड़ेगी ना। तो x x y से बड़ा है लेकिन 2x बच्चे लेस देन 3y है, कुछ सेंस मिला क्या मैं बताना चाह रहा हूं? अकेले अकेले में x बड़ा है y से, लेकिन जब एक मॉलिक्यूल को निकालने की बात होगी तो एक वाटर मॉलिक्यूल को निकालने में कौन शोर मचा रहा है, कौन शोर मचा रहा है? एक वाटर मॉलिक्यूल को निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, समझा? और अगर एक वाटर मॉलिक्यूल को निकालने में ज्यादा एनर्जी लगा तो बताओ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि नहीं एचएफ से। तो इसे अब साइंस की भाषा में बात करते हैं, कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म मोर एग्जॉस्टिव हाइड्रोजन बॉन्ड। मोर एग्जॉस्टिव का मतलब ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल ज्यादा होता है। एचएफ फॉर्म स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बट लेस एग्जॉस्टिव हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर फॉर्म स्लाइटली वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड बट मोर एग्जॉस्टिव हाइड्रोजन बॉन्ड। एक वाटर मॉलिक्यूल कई वाटर मॉलिक्यूल को पकड़े रहता है इसलिए उसको निकालना थोड़ा मुश्किल है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो हम सिंस वाटर फॉर्म मोर एग्जॉस्टिव एच बॉन्डिंग then HF boiling point of water is greater than HF. समझ गया ना? अब यहां पे एक और सिचुएशन को देखो। अब लो एक मॉलिक्यूल लो वाटर और एक मॉलिक्यूल लेते हैं मिथानॉल। मिथानॉल ये देखो है, मिथानॉल ध्यान से देखना। वाटर का स्ट्रक्चर सबको पता है, ये है वाटर और ये वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से एच बॉन्ड बनाता है। अच्छा, आपको दिख रहा है कि वाटर और मिथानॉल में थोड़ा सा ही फर्क है। अगर हम यहां पे हाइड्रोजन के जगह पे मिथाइल लाके रख दें तो वो मिथानॉल हो जाएगा या नहीं? अरे हो जाएगा या नहीं? तो अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल को देखें तो ये देखो, एक वाटर मॉलिक्यूल ने बीच वाला मॉलिक्यूल पे कंसंट्रेट करो, एक वाटर मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, अभी अभी हमने देखा था 3 बनाया था कि नहीं? अब वाटर के जगह पे अगर मिथानॉल आ जाए तो मिथानॉल में कितने पॉइंट हैं जहां से एच बॉन्ड बनेगा, जल्दी जल्दी बोलो। मिथानॉल कहां कहां से एच बॉन्ड बनाएगा?
सिर्फ दो ही पॉइंट है, यहां से ध्यान से देखना, ओ एच सी एच थ्री। क्या चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए? हाइड्रोजन बॉन्डेड भी होना चाहिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से, दूसरे साइड भी वही होना चाहिए। तो ये हो गया। या फिर ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, होगा कि नहीं? लेकिन इस पोर्शन से कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। ये नहीं देखना कि तीन हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगेगा। ये सब कार्बन से बॉन्डेड है, कार्बन से बॉन्डेड हाइड्रोजन नहीं बनाता हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मिथानॉल के एक मॉलिक्यूल ने कितने एच बॉन्ड बनाए? सिर्फ दो बनाए कि नहीं? तो क्या अब हम एक्सप्लेन कर देंगे कि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होती है मिथानॉल से? क्योंकि वाटर तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा, तीन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, जबकि मिथानॉल के दो ही बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। ये बात समझ में आया सबको? तो फिर यहां पे एक लाइन लिख दो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन मिथेनॉल ड्यू टू मोर एग्जॉस्टिव एच बॉन्डिंग इन वाटर। तो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं। हमारे पास दो मॉलिक्यूल है CH3OCH3, बच्चे इसे कहते हैं डाइमिथाइल ईथर, और एक दूसरा मॉलिक्यूल है CH3CH2OH इथानॉल। सोच समझ के मुझे बताओ कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, विच विल हैव ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी, वाटर की या मिथानॉल की? इथानॉल की या डाइमिथाइल ईथर की? क्यों? और डाइमिथाइल ईथर एक भी नहीं बनाएगा, ऑक्सीजन तो है लेकिन हाइड्रोजन कहाँ है उसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से? अरे डाइमिथाइल ईथर आज हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? हाइड्रोजन कहाँ है? एकदम नहीं समझा। डाइमिथाइल ईथर में सभी हाइड्रोजन नलायक है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड नहीं है। क्या हाइड्रोजन कार्बन से बॉन्डेड वाला एच बॉन्ड बनाता है? इतना देर से मैं पढ़ा रहा हूं तभी नहीं समझ में आया आपको? ये सब हाइड्रोजन कहां से बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड? अनेबल टू फॉर्म एच बॉन्ड, सही है ना बच्चे? ये एच बॉन्ड बनाएगा ही नहीं आपस में, जबकि इथानॉल के केस में कम से कम एक हाइड्रोजन तो लायक है, और ये तो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है तो ये तो बनाएगा एच बॉन्ड, तो ये बनाएगा एच बॉन्ड। अरे टीवी भी सुना रहा है, बंद कर दो टीवी भाई, या तो टीवी बंद और ये देखो
बताओ ये हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं? हे भगवान, और ऑक्सीजन से बॉन्डेड है ये हाइड्रोजन, और दूसरे साइड भी ऑक्सीजन आ गया तो ये एच बॉन्ड नहीं हुआ। और इसलिए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? इथेनॉल का। डाइमिथाइल ईथर रूम टेम्परेचर पे गैस होता है, इथेनॉल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आगे और जानेंगे, हम आगे और पढ़ेंगे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे, तो इसमें और भी टाइप होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। अभी सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग के एंगल से बताया है आपको मैंने। अब इसके बाद बात नहीं, इसके बाद आ जाओ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन सिंपल दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। अगर हम बात करें HCl, तो ये बताओ H और Cl के बीच का बॉन्ड पोलर है या नहीं? बिल्कुल होगा, अरे होगा ना। और यहां पे डेल्टा नेगेटिव, यहां पे डेल्टा पॉजिटिव, यहां पे डेल्टा पॉजिटिव, यहां पे डेल्टा नेगेटिव, तो यहां भी तो दो अपोजिट चार्ज के बीच में तो अट्रैक्शन होगा ही होगा। लेकिन या इसको अब हाइड्रोजन बॉन्ड हम नहीं कह सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डेड होना चाहिए किससे? ओ एन एफ से, और वो नहीं है। तब इसको, इस अट्रैक्शन को सिंपल हम कहेंगे कि दो डाइपोल के बीच का अट्रैक्शन है। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए? मॉलिक्यूल पोलर होना चाहिए। अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, होगा ना। अब तीसरा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पहले जरा सुनो उसके बारे में। वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तब देखना है जब बाकी सब एब्सेंट हो। ये क्या है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जरा समझना है इसको, ध्यान से देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा। ये सबसे खतरनाक है समझने में। अगर हमको एक नोबल गैस ले लें, अगर कोई एक नोबल गैस से हम आर्गन गैस लेते हैं, तो ये आर्गन गैस का एक एटम मैंने दिखाया है जिसके सेंटर पे होगा न्यूक्लियस और उसके अराउंड इस तरह से वैलेंस शेल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, होगा ना। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये भी पढ़ा है कि एटम का पूरा मास कहाँ कंसंट्रेटेड होता है? न्यूक्लियस में होता है ना, होता है ना। और अब तक न्यूटन्स लॉ पढ़ चुके होंगे आप लोग फिजिक्स में। क्या कहता है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ? है अभी काइनेमेटिक्स चालू हुआ है, सितंबर खत्म हो गया, महान है, नमन है, नमन है आपको। चलो, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, जो कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, तब तक जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगाया जाए। तो अगर हम इस एटम को मूव करवाएं, ध्यान से सुनना,
तो इनर्सिया किसकी ज्यादा होती है, जिसकी मास ज्यादा होती है। तो न्यूक्लियस जो है वो उसी में पूरा मास कंसंट्रेटेड है। तो जब इस एटम को आगे मूव करवाओगे तो न्यूक्लियस की टेंडेंसी मूव करने की नहीं होगी, और इसलिए न्यूक्लियस चाहेगा वहीं बैठा रहे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो हल्का है, लाइटर है, वो बेचारा आगे शिफ्ट कर जाएगा। और जैसे ही हम इस पे फोर्स लगाएंगे, जैसे ही इसको मोशन में लाएंगे, तो ये डिफॉर्म हो जाता है। समझा क्या? ये डिफॉर्म हो जाता, न्यूक्लियस थोड़ा पीछे छूट जाता है क्योंकि वो चलना ही नहीं चाहता, वो तो भारी है, और इलेक्ट्रॉन थोड़ा फास्ट चल लेता। समझा? तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा? ये देखो, ये एटम ही डिफॉर्म होके इसका एक साइड थोड़ा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, जिधर इलेक्ट्रॉन आ गया, और एक साइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल ड्यू टू मोशन। इसके मोशन के वजह से एक टेम्पररी इंस्टेंटेनियस डायपोल डेवलप हुआ। अब जैसे ही ये डायपोल डेवलप हुआ, तो ये क्या करेगा, ये दूसरे एटम के न्यूक्लियस को अपने तरफ ये अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये निगेटिव है, तो ये क्या करेगा, दूसरे एटम को डिफॉर्म कर देगा। अब समझा क्या, दूसरे एटम के न्यूक्लियस को अपने तरफ ये खींचेगा और उसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा इस तरह से। और अब यहां पे इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्डअप होगा, दैट विल बी कॉल्ड वंडरवाल फोर्स। सो वंडरवाल फोर्स अराइजेज ड्यू टू इंस्टेंटेनियस डाइपोल इन द नॉन पोलर एटम्स और मॉलिकल्स। ये वीकेस्ट टाइप का इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है, और ये मोलर मास पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मोलर मास होगा ये वंडरवाल फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। तो एक लाइन जरा लिख लेते हैं। वेंडरवाल फोर्स अराइजेस ड्यू टू इंस्टेंटेनियस डाइपोल इन नॉन पोलर सिस्टम, जो कि परमानेंटली तो नॉन पोलर है, बट मोशन के वजह से। मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्स देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन मोलर मास, अब ये बताओ मुझे, मीथेन का डायपोल मोमेंट कितना है? सोच के बताना, जल्दी नहीं है। मीथेन कितना पोलर मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर है ये, क्योंकि मीथेन में सारे वेक्टर सिमेट्रिक हैं,
पता है ना, ये सारे इस तरह से सेम मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर किसी पॉइंट पे इक्वल एंगल पे एक ही डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट हमेशा। अच्छा, अब एक और मॉलिक्यूल लो, CCl4, बताओ ये कितना पोलर है। अरे नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। इस बार सभी वेक्टर बाहर के तरफ होंगे, रिजल्टेंट तो जीरो ही होगा ना बच्चे। मतलब ये दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अच्छा, CCl4 इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बट CH4 हम सब जानते हैं क्यों। कोई फील आया, कोई आंसर दिखा आपको। कहेंगे दोनों नॉन पोलर है इसलिए उनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा सिर्फ कौन सा होगा, ये लास्ट वाला। अरे होगा कि नहीं, और लास्ट वाला जो वैंडर वाल फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है। अब मोलर मास किसका ज्यादा है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है CCl4 का, है या नहीं। तो बहुत ज्यादा है का मतलब क्या हुआ, CCl4 मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज्यादा वैंडर वाल फोर्स होगा जबकि CH4 के बीच में वीक वैंडर वाल फोर्स होगा, इसलिए मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होगा, CCl4 का बहुत ज्यादा होगा। ये बात समझ में आया सबको, तो क्या कहेंगे। कि ड्यू टू वेरी लार्ज मोलर मास ऑफ CCl4 इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग वेंडर वाल फोर्स। वेरी स्ट्रॉन्ग वेंडर वाल फोर्स कॉम्पेयर टू मीथेन, हेंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मीथेन इज लेस देन इन देन CCl4। इट हैज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वैंडर वाल फोर्स। तो ये हो गया, अब आखिरी लाइन सुन लो, बॉन्डिंग की आखिरी लाइन। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन और वैंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों के बीच में अंतर काफी कम होता है और इसलिए वैंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ये हम कंसीडर करते हैं केवल कब, जब मॉलिकुलर वेट कंपाउंड का लगभग बराबर हो जाए, ताकि दोनों के बीच में वैंडर वाल फोर्स बराबर हो जाए। डाइपोल डाइपोल जिसमें होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लेकिन अगर मॉलिकुलर वेट में डिफरेंस ज्यादा हो तो सिर्फ वैंडर वाल देखना है, तब डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन नहीं देखना है। समझा आपने। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इज कॉम्पेरेबल विथ वेंडरवाल्स फोर्स। देखो वेंडरवाल फोर्स तो मोलर मास पे डिपेंड करता है, मोलर मास तो सबके पास होता है, तो ये फोर्स तो हर जगह है। तो अगर
मोलर मास इक्वल हो जाए दो कंपाउंड का, तो कहेंगे उन दोनों में वेंडरवाल फोर्स बराबर होगा। अगर कोई डायपोल वाला है तो वो ज्यादा हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन अगर मोलर मास में अंतर बड़ा हो तो डायपोल डायपोल को नहीं देखना है फिर, कंपेरेबल विथ वेंडरवाल फोर्स। हेंस डायपोल डायपोल ओम प्रकाश पठादे, कौन कौन है ये, कहां कहां से कौन कौन भेज जाता है। हेंस डायपोल डायपोल एट्रैक्शन इज कंसीडर्ड ओनली ओनली when molecular mass are close, otherwise van der Waals force will be considered. जैसे CH3Cl और CCl4, यहां देखो ये पोलर है ये नॉन पोलर है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका मोलर मास काफी ज्यादा है फर्स्ट वाले से, है ना, तो मोलर मास ज्यादा होने से वैन डर वाल फोर्स देखना है। ठीक है, तो बहुत हो गया बॉन्डिंग। हाँ जी, ठीक, तो कल से और थोड़ा ये ठीक है, और अभी ठीक है, चल ठीक है बच्चे। हाँ अरे बाबा, कहाँ ढूंढूं मैं इतनी रिकॉर्डिंग, तो फिर वीडियो रिकॉर्ड करके ही भेज दिया करते हैं, फिर लाइव क्लास की क्या जरूरत है जब रिकॉर्डिंग चाहिए हर क्लास की, तो फिर वीडियो ही शूट करके भेज देते हैं जैसे बायोलॉजी वाले फिजिक्स वाले भेजते हैं, ठीक रहेगा ना।